तो खूब ही कमाते है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अभी देश की जनता क्या बोलती है पता है? बोलती है सकी सैया तो खूब ही कमाते है, अडानी अंबानी खाए जाते हैं। देखिए मोदी जी तो अच्छे दिन आने वाला है, 2014 से बोल रहा है, और हम लोगों का जो अच्छे दिन कब आएगा ये जवाब लेने के लिए हम आप इधर आए हैं। हम लोगों का कहेगा अच्छे दिन कभी नहीं आएगा, मोदी हटाओ और देश बचो। मोदी तो कह रहे 24 में हम फिर आ रहे हैं। नहीं नहीं कभी नहीं, मोदी का ये मन का बात है। मन का बात नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या है जी, गुजरात में क्या है, गुजरात को क्या किया आपने, सब राम मंदिर, हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान बताकर सब हिंदू को आप क्या बोल रहा है। हम तो एक साथ रहेंगे, हमारा हिंदुस्तान एक है और हम एक थे एक है, यही हमारा बंगाल का रिवाज। बंगाल तो कह रहा है कि आप लोग खतरे में, हिंदू खतरे में बंगाल में। हिंदू कभी खतरे में नहीं हो सकते है, क्योंकि हम जो मानते हैं दीदी की नीति जो है, हम लोग एक थे एक है एक रहेंगे। ममता दीदी खेला बंगाल से दिल्ली तक आ चुका है, सिंहासन से हटना पड़ेगा चाचा जी को। 24 का तैयारी हो गया, मतलब 24 का तैयारी, चाचा जी के सिंहासन का जाने का तैयारी हो चुका। चाचा जाने वाले हैं देश में, जो चाचा है बल फेस वाले चाचा, कह रहे आपके लिए काम कर रहे हैं। किनके लिए? आप लोग के लिए। वो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे। मंदिर बन रहा खुश नहीं है वाले हैं। बहुत काजू किशमिश अखरोट खा करके गाल लाल कर लिए हैं, समय आ गया। देखिए मोदी जी तो अच्छे दिन आने वाला है, 2014 से बोल रहा है, और हम लोगों का जो अच्छे दिन कब आएगा ये जवाब लेने के लिए हम आप इधर आए हैं। हम लोगों का जो दीदी है और जो बंगाल के लोग है, वो 100 दिन का काज के लिए जो रुपया मांग रहे हैं वो अब भी नहीं दे रहे, और हम लोगों का जो ममता दीदी है, अभिषेक बनर्जी है, वो धरना में है आज, कल तो हम राजघाट में थे, हम लोगों के साथ जो बदतमीजी की है इन्होंने, इसके जवाब लेने के लिए आज हमने इधर आए हैं, और साथ में धरना मंच में सब लोग है। लेकिन जी सर, भाजपा तो कह रही है कि आप लोगों को तमाम फायदे दिए जा रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर दिया जा रहा, घर दिया जा रहा, नल जल दिया जा रहा, राशन दिया जा रहा, फिर क्या दिक्कत है यहाँ आ गए? देखिए दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, पर दिक्कत सब कुछ है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान और बिजली पानी सड़क, ये जो हमारा मोदी जी दे रहे हैं बोल रहे हैं, कहाँ से दे रहा है और कहाँ से ले रहा है। जो मेहुल चस्की है, जो अदानी अंबानी है, वो तो बड़े बड़े होकर इतना बड़े हो गए, और हम लोगों का जो बंगाल के जो हम लोग है जो रोज काम करते हैं, उसके 100 दिन के लिए काज जो कर रहे हैं रोज कर, जो पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसके जवाब हम लोगों को चाहिए। ठीक है, अच्छे दिन आए कि नहीं आप लोगों के मैम? नहीं मोदी जब तक रहेगा अच्छे दिन कभी नहीं आएगा, मोदी हटाओ और देश बचो। मोदी तो कह रहे 24 में हम फिर आ रहे हैं। नहीं कभी नहीं, मोदी का ये मन का बात है। मन का बात नहीं होता तो 24 में आप लोग क्या चाह रहे हैं, दीदी को प्रधानमंत्री बनाइएगा? ऑफकोर्स हम लोग सब ममता दीदी के ही चाहेंगे। आप लोग किसको चाहिएगा? ममता दीदी जिंदाबाद। दीदी कह रहे एक मौका दे दीजिए महिलाओं को, जो भी आगे कार्यकाल आरक्षण आप लोगों को मिल रहा है। मोदी जी पहले आपका घर संभालिए और अपने घर के देखिए अपने महिला को क्या किया है, फिर आपने बताइएगा कि पूरा इंडिया आप संभालेंगे। जो इंडिया का जोट हुआ है ना, डर गए मोदी का डर लगा है, और हम लोगों को अच्छा लग रहा है। मोदी का एक अकेला शेर सब पे भारी है। नहीं, अगर ऐसा ही होता तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी है, अगर गुजरात में ऐसे लड़की लोगों को जो शिशु है उसका साथ धर्षण हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, तो कैसे हुआ? मोदी तो कह रहे बंगाल में ज्यादा ये हो रहा है। नहीं आप देखिए ना, गुजरात में, हरियाणा में कैसे, दिल्ली में कैसे हो रहा है, लड़कियों के साथ इतना बड़ा कैसे हो रहा है? अच्छे दिन आप लोग नहीं आए, मतलब नहीं, मोदी किसी के साथ अच्छे नहीं कर सकते, किसी के साथ भी नहीं। मैम तो मोदी जी जो वादे कर रहे हैं तमाम आप लोगों से, तो पूरा नहीं हो रहा है क्या? देखिए मोदी जी 9 साल से कोई सांवादिक सम्मेलन नहीं किए हैं, उन्होंने जो भारत के लिए जो बनाया, और चंद्रयान 3 जो बनाया, और चंद्रयान 3 जो लोग ने बनाया वो तो अब इडली बेचकर खा रहा है। मोदी जी देखिए देश को बेच दिए आपने, रेल को बेच दिए, और बड़े बड़े बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देख लेते हैं जब इसमें कौन आता है। हाँ इसमें एकदम खेला होगा क्या? खेला तो शुरू हो गया है, खेला तो आपने कल भी दिखाया, आज भी दिखाएंगे। मोदी जी 2024 में सोनार बंगला बना देंगे बंगाल में। पहले तो सोनार उत्तर प्रदेश, सोनार त्रिपुरा, सोनार सब कुछ बनाया इन्होंने, सोनार का गुजरात भी बनाया, गुजरात तो जला दिए, उस जलते जलते पूरा देश जल गए। वाले कह रहे बंगाल में जंगल राज है।
बीजेपी पहले बहुत सारे कुछ कहेंगे, जंगल में जंगल राज है, अगर उत्तर प्रदेश में क्या है जी, गुजरात में क्या है, गुजरात को क्या किया आपने, सब राम मंदिर हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान बताकर सब हिंदू को आप क्या कर रहा है। हम तो एक एक साथ एक रहेंगे, हमारा हिंदुस्तान एक है और हम एक थे एक है, यही हमारा बंगाल का रिवाज। बंगाल तो कह रहा है कि आप लोग खतरे में, हिंदू खतरे में बंगाल में। हिंदू कभी खतरे में नहीं हो सकते है, क्योंकि हम जो मानते हैं दीदी की नीति जो है, हम लोग एक थे एक है एक रहेंगे। ममता दीदी जिंदाबाद। मैम आप खतरे में नहीं है? मोदी जी तो कहते हैं कि खतरे में है सब, वहाँ पे हिंसा होता है वहाँ पे। हमारा बंगाल में लड़की लोगों एकदम सेफ है, हम सेफ है, हम सेफ है। गुजरात की लड़की लोग सेफ नहीं है, सेफ नहीं। त्रिपुरा का लड़की सेफ नहीं है, हम बंगाल के लोग लड़की सेफ है, हम अभी सेफ है। तो आप नहीं चाह रही है कि मोदी जी फिर आए? कभी नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे दीदी है, दीदी रहे, आगामी दिन में भी दीदी रहे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारे 100 दिन बकाया टाकाटा हिंदी में बोलिए ना, 100 दिन हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं बंगला। चलिए थैंक यू मैम। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो अभिषेक बनर्जी है, ये अभिषेक बनर्जी से पूरे बीजेपी की टीम बौखलाए हुए हैं। हम इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट ट्रेन था आने के लिए, दिल्ली आने के लिए, वो ट्रेन को कैंसिल कर दिया। फिर जो अभिषेक बनर्जी का जो फ्लाइट था उसको भी कैंसिल कर दिया। अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों के। हम लोगों के लिए क्या है, बंगाल के लिए क्या कर रहे हैं? बंगाल को आदमी को पूरा वंचित करके रखा है ये बीजेपी गवर्नमेंट, इसीलिए हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर अच्छे दिन आए कि नहीं आप लोगों के? अच्छे दिन आए। आपका अच्छा दिन आया है? ये बोला आपका बताइए ना। अरे आप आगे पहले बताइए, आप प्रश्न कर रहे हैं ना, तो पहले आप बताइए आपका अच्छा दिन आया। देश वाले ऐसे ही मोदी मोदी कर रहे हैं। आप कर रहे हैं मोदी मोदी? आप मोदी मोदी कर रहे हैं? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम भी तो आपको पूछ रहे हैं कि आप भी तो देश के नागरिक हैं, आप भी तो देश के नागरिक है, आप भी तो इस देश के संविधान भारत के स्वतंत्र भारत के नागरिक है, और आप लोग तो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, तो आपको आपके अच्छे दिन आए हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं कि जो है खतरे में हिंदू बंगाल में, हाँ बंगाल में हिंदू खतरे में है क्या? हम लोग बंगाल के धरती से है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अगर हिंदू सनातनियों का सबसे बड़ा पूजा आदि शक्ति का पूजा होता है तो बंगाल में ही होता है। माँ दुर्गा की धरती है बंगाल, कहाँ से हिंदू खतरे में? आइए दुर्गा पूजा देखकर जाइए, ममता बनर्जी के नेतृत्व में किस प्रकार से दुर्गा पूजा वहाँ पर हो रही है। पूरे देश दुनिया के लोग बंगाल में आकर के दुर्गा पूजा का आनंद उठाते हैं, और प्रत्येक क्लब को ममता बनर्जी 70,000 रुपया करके सरकारी फंड देती है कि दुर्गा पूजा धूमधाम से हो। हम लोग हिंदू है, भगवान का आदि शक्ति से बड़ा देवी या देवता कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि देवी आदि शक्ति ही जगत जननी है। तो हिंदू केवल मोदी कैसे? अच्छा ये लोग क्यों कहते हैं कि खत वहाँ पे जो है हिंसा होते रहता है? हिंसा ये लोग करवाना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शेरनी बैठी हुई है बंगाल में जिसका नाम ममता बनर्जी है। इस बार क्या लग रहा है, 24 में खेला होगा? खेला खेला बंगाल से दिल्ली तक आ चुका है, सिंहासन से हटना पड़ेगा चाचा जी को। 24 का तैयारी हो गया मतलब? 24 का तैयारी, चाचा जी के सिंहासन का जाने का तैयारी हो चुका है। चाचा जाने वाले हैं देश में, जो चाचा है डबल फेस वाले चाचा, कह रहे आपके लिए काम कर रहे हैं। इनके लिए? आप लोग के लिए? वो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे। मंदिर बन रहा, खुश नहीं है आप? मंदिर बन रहा है, मंदिर क्या उन्होंने बनवाया? मंदिर देश का न्यायाधीश, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, उन्होंने अपना फैसला दिया, मोदी सरकार ने या मोदी ने नहीं किया है। क्रेडिट तो वही लोग ले रहे हैं ना? हाँ वही तो बोले, कैमरामैन फोकस करो हो गया अभी। मोदी जी चश्मा उतारिए, विकास दिखेगा आपको। मोदी जी स्वयं चश्मा पहनते हैं व्हाइट वाला, देखिएगा। चश्मा उतारिए विकास दिखेगा, चश्मा उतारिए विकास दिखेगा। चश्मा उतारने से विकास दिखेगा? विकास पैदा नहीं हो पा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में विकास पैदा नहीं हो पा रहा है। चश्मा विकास नहीं हुआ है तो क्या जनता का विकास नहीं हुआ है? साजी दूर हाँ? ढूंढ रहा है विकास, तो विकास नहीं हुआ है तो इसका मतलब जनता का विकास नहीं हुआ। नहीं आपके नजर में क्या जनता का विकास हुआ है? आपके नजर में जनता का विकास हुआ है? आपके नजर में जनता? हाँ हम भी तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप भी तो जनता है। एक बात बताइए, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, मोदी नहीं तो कोई है? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो देश की जनता है? देश की जनता कह रहे, कोई है ही नहीं, चेहरा ही नहीं है इन लोगों के पास। देश के प्रधानमंत्री के डायरेक्ट डायरेक्ट जनता तय करती है। देश की जनता
एमपी तय करती है। एमपी लोग बहुमत देकर के प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये देश के संविधान का ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जाना होगा। क्या लग रहा है कि आखिरी है क्या ये साल खत्म होने वाला? चाचा जी जाने वाले हैं। बहुत काजू किशमिश अखरोट खा करके गाल लाल कर लिए हैं। समय आ गया, मतलब समय आ चुका है। समय आ चुका है। देखिए देश की जनता ने बहुत आशा के साथ केंद्र में भाजपा सरकार बैठाई थी। आगे हम लोग क्या बोलते थे पता है? सखी सैया तो खूब ही कमाते है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अभी देश की जनता क्या बोलती है पता है? बोलती है सखी सैया तो खूब ही कमाते है, अडानी अंबानी खाए जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, एक अकेला शेर सब पे भारी है, मोदी ये सब पे भारी है। मोदी शेर है, शेर है, कहते सारे समर्थक। इसलिए मोदी जी से निवेदन है, शेर जो है एक हिंसक जानवर होता है, शेर एक हिंसक जानवर होता है, तो शेर ना बने, पहले मनुष्य बन जाए, मनुष्य बन जाए, इंसानियत सीखे, देश के संविधान को पढ़े, देश के संविधान में क्या मौलिक अधिकार है वो जनता को दे। डंका बज रहा है विदेश में, देख रहे हैं मोदी जी का, मोदी जी का डंका केवल मोदी जी के चमचे लोग के नजर में बज रहा है, देश की जनता के नजर में नहीं बज रहा है। ठीक है, ऐसे ही दो बार प्रधानमंत्री बन गए, जनता सपोर्ट कर रही तब ना बन रहे हैं। जनता सपोर्ट अवश्य कर रही है, लेकिन इस बार जनता ने ठान चुका है कि चाचा जी जही है, क्या लग रहा है तो जाने वाले कि आने वाले? जाने वाले, एकदम बिल्कुल जाने वाले। मेरे मित्र जो बोले एकदम सही बोले, जाएगा जरूर, जाएगा जरूर, क्या लग रहा है? हाँ जरूर चले जाएंगे, जाने वाले है, जाने वाले है, जरूर जरूर जाने वाले है। सुनिए सुनिए सुनिए, यह बंगाल, बंगाल की धरती के जनता है। बंगाल, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, बंगाल, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। मतलब बंगाल जो सोच लेती है वो देश की जनता ही उसी रास्ते पर आगे बढ़ती है, क्योंकि बंगाल की भूमि स्वाधीनता आंदोलन की भूमि है, बंगाल की भूमि क्रांति की भूमि है, खुदीराम बोस की भूमि है, मताग्नि हाजरा की भूमि है, विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की भूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, स्वामी विवेकानंद की भूमि है। ये बंगाल की भूमि देश की जनता को रास्ता दिखाने का काम करती है। उस बंगाल की भूमि से 10 करोड़ बंगालियों ने ठाना है, और अब देश की जनता भी यही ठानेगी कि मोदी चचा जई है। शुरुआत हो गया, बनारस से गोल हुई है, गंगा मैया का आशीर्वाद ना मिली, ना मिली, जई है चचा।